हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आपको हीटर का एलिमेंट चेंज करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी एलिमेंट ले लेनी है, बढ़िया कंपनी की आप लीजिए, मैं यही रिकमेंड आपको करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो दोनों कॉर्नर हैं उनको खोल के थोड़ा सा लंबा आपने कर लेना होगा। तो बस ये सब करने के बाद यहाँ पर ये सारी प्लेट आपने क्लीन कर लेनी है। उसके बाद इस पे होल पे आपको यहाँ पर डाल लेना है। उससे पहले इसको सीधा कर लीजिए, अगर कोई औजार है तो उससे कीजिएगा, वरना हाथ में आपका लग सकती है या दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों को हमने फिक्स कर लेना है। मेन जो समस्या होती है इसको फिट करने की, तो वो आप अभी आगे सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसको हमने पीछे फंसाना है, तो पीछे थोड़ा सा लंबी तार और चाहिए होगी। तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और खींच के हम लंबा कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बस इतना सा इसको खींच लिया, अभी उसको भी अपन ने खींच लिया, लंबा कर लेना होगा। तो इसको भी अरे फंसा लिया लंबा करके, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से खींच के लंबा कर लेना है, ताकि वहाँ पर जो हमारा स्क्रू है उस पर आसानी से घूम जाए और छोटा ना पड़े। चलिए ये तो हमने कर लिया, अब यहाँ पर इसको घुमा लेते हैं। तो पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर घुमा लेते हैं, बाद में सेटिंग वेटिंग कर लेंगे जब पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर आप नए वाले स्क्रू का भी यूज़ कर सकते हैं, नए वाला स्क्रू साथ में ही आता है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे ही अपने एक यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बता रहा था, तो वो तो बाद में सेटिंग कर लूँगा। तो बस ऐसे करना, एलिमेंट को दोनों तरफ से आपने खींचना है, और बिल्कुल एक ही पोजीशन में, इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है और थोड़ा सा कम भी नहीं खींचना है, बिल्कुल एक ही पोजीशन में खींचते हुए आपने इसको सेटिंग करना है। यहाँ पर दोनों हाथ मेरे बिजी हैं, तो यहाँ पर प्लेट भी खिसक रही है, तो यहीं पर भी आप ये काम करेंगे तो प्लेट को एक जगह पर अच्छी तरीके से सांचे में फंसा लीजिए, ताकि प्लेट इधर उधर मूव ना हो। यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा दोनों हाथ बिजी हैं, इस वजह से मैं आपको प्लेट को एक जगह पे फंसा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ एलिमेंट सही से बैठे। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल एक ही पोजीशन में एलिमेंट को खींचते हुए ले जाना है, और बारीकी से देखना भी है, कहीं पे ज़्यादा तो नहीं खींचा और जहाँ कहीं पे कम तो नहीं खींचा, बस इस चीज़ का ध्यान देना है, बाकी आपका काम बिल्कुल फिक्स तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुझे काफ़ी डिस्टर्ब होता है वीडियो बनाने में, क्योंकि यहाँ पर पीसीबी स्टैंड भी मेरे पास ठीक ठाक वाला नहीं है। तो बस आप लोग किसी तरह सपोर्ट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फंसाना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको छोटे मोटे नॉलेज की आपको मिलती रहे, और आप घर पर ही छोटी मोटी रिपेयरिंग करना आप खुद भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मैकेनिक हों, आप कोई भी काम करते हों, बस ये नॉलेज हो तो आप घर पर भी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसको दबा दिया, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना हर बार की तरह। काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको फिट कर लिया है। देखिए बिल्कुल कितना बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैठ गया है। हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो, यहाँ पर प्लेट इधर उधर मूव होती है, इस वजह से थोड़ा बहुत सेटिंग नहीं हुआ। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।